सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज मैं लेके आया हूँ सी पी प्लस की तरफ से आने वाला एक और वाईफाई कैमरा जिसका मॉडल नंबर है A28A, जो है 2 मेगापिक्सल में फुल HD रिजोल्यूशन देने वाला कैमरा। तो आज बात करेंगे इसी कैमरे की, वो इसलिए क्योंकि ये कैमरा अब मार्केट में ज़्यादा आ गया है। जो पहले के मॉडल थे जैसे कि E25A, E24A, वो सभी मॉडल जो हैं अब कम मिलने लगे हैं और मार्केट में ये कैमरा ज़्यादा ही देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए, ये तो बात रही ऑफलाइन मार्केट, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी कोई ऐसा कैमरा सर्च कर रहे हैं जो आपके बजट में हो और 2 मेगापिक्सल मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट हो, मेगापिक्सल को लेके, क्लैरिटी को लेके, तो वो ये कैमरा बिल्कुल सुटेबल है उसके लिए। लेकिन अभी हमने इसको ट्राई नहीं किया है और यहाँ पर अभी ये जो कैमरा है बिल्कुल सील्ड है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पर ट्राई करूँगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा इसमें क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट मिल जाते हैं और कैसे ये परफॉर्म करता है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स मिल रहा है इसके अंदर आपको सी पी प्लस की तरफ से आने वाला E28A वाईफाई कैमरा देखने को मिलेगा। ये कैमरा है, उसकी जो बॉक्स कंटेंट है वो भी दिखाएंगे। उससे पहले बता देते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो आपको स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी, वो क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1080p फुल HD वीडियो ये सपोर्ट करता है, जिसमें आपको फुल HD की रिजोल्यूशन वाली वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद में सपोर्ट्स ONVIF। तो गाइस, ये जो ONVIF प्रोटोकॉल होता है ये काफ़ी काम का होता है। इसमें आप किसी भी सी पी प्लस के या फिर हिकविजन के या कोई भी DVR NVR हो उस वहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। उसके बाद में मोशन डिटेक्शन अलर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मोशन ट्रैकिंग, प्राइवेसी मोड, IR लाइट्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये सभी चीज़ें तो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये कितना प्रॉपर काम करती है, यानी कि ये जो इसकी एक्यूरेसी है कितनी होने वाली है, मोशन ट्रैकिंग कितना अच्छा हो सकता है, ट्रैकिंग मोशन डिटेक्शन कितना अच्छा हो सकता है, या बात कर लें अगर नाइट विज़न की तो वो कैसा रहने वाला है, कितना विजिबल रहने वाला है नाइट विज़न में, कोई पर्सन अगर इसके सामने आता है तो वो कैसा विजिबल होता है, वो सभी आज इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको बॉक्स के पीछे भी मिल जाएगी, जिसमें है 2 मेगापिक्सल PT कैमरा, 4mm लेंस, वाईफाई, 15 मीटर IR। तो ये 15 मीटर IR का मतलब है कि नाइट विज़न में ये आपको 15 मीटर की कवरेज दे देगा। इसका मतलब है कि IR का थ्रो होता है वो 15 मीटर तक वर्क करेगा। और यहाँ पर तो मॉडल नंबर देखने को मिल रहा है E28A। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर ये 2 बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक बॉक्स कैमरे का है और एक एसेसरीज का है। तो कैमरे के बॉक्स तो साइड में रखते हैं, एसेसरीज के बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं एसेसरीज में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो एसेसरीज में हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल रहा है ट्रैवल चार्जर, ये 5V 1A का देखने को मिलेगा। आप 5V 1A का कोई और भी अडेप्टर लगा सकते हैं इनकेस अगर ये अडेप्टर खराब हो जाए या फिर मिसप्लेस हो जाए। Type-A to Type-C चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, लगभग 1 मीटर की वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद में कुछ यहाँ पर स्क्रूज और ये गिटीज मिलती है। चलिए अब ये बॉक्स है कैमरे का, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए बॉक्स में हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें मेन कैमरा बॉडी देखने को मिलती है। देखिए कैमरा कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देखिए माउंटिंग जो है कैमरे के साथ ही अटैच होकर के मिली है यहाँ पर माउंटिंग। ये जो है वो सीलिंग माउंट है, इस कैमरे को आप सिर्फ सीलिंग पे ही लगा सकते हैं, वॉल पे आप इसको नहीं लगा सकते। इससे पहले समझ लेना कि वहाँ पर आपको सीलिंग माउंट ही करना पड़ेगा, वॉल माउंट का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। जो माउंटिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे ही यहाँ पर आपको इसकी डिटेलिंग भी देखने को मिलती है, QR कोड वगैरह सब कुछ पीछे ही देखने को मिल जाता है। कैमरे के पीछे कोई QR कोड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बिना QR कोड के भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी मेथड होता है, वो आप हमारी वीडियो देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो कैमरा है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए डिज़ाइन की मैंने बात करी कि कुछ राउंड शेप मिल जाती है आपको, यहाँ भी राउंड शेप मिल रही है, यहाँ भी राउंड शेप मिल रही है, डिज़ाइन तो ठीक है ये इस तरीके से। अभी देखते हैं यहाँ पर बबलिंग कितनी है। तो देखिए ये है हमारा कैमरा E28 है, जिसके मैंने बात करी कि बॉडी में कितना आपको प्ले देखने को मिलेगा। तो थोड़ा हल्का फुल्का प्ले यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उस और भी कैमरों की, तो देखिए ये है MI का Xiaomi का 2i कैमरा, तो यहाँ पर भी देखते थे। देखिए साउंड तो यहाँ से भी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से,
इन कैमरों में देखिए ये साउंड ज़रूर रहेगा क्योंकि ये कैमरे जो है पीटी कैमरे होते हैं, मूव करते हैं, और ये सीपी प्लस का ही E21A कैमरा जो 2 मेगापिक्सल में आता है। देखिए इसमें भी है इस तरीके का प्ले, और ये E41A इसमें थोड़ा सा कम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम इसमें है। और ये एक आपका V380 का चाइनीज़ ब्रांड कैमरा, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सभी इस तरीके से बबलिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, तो ये एक नॉर्मल ही बात है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा टाइप सी पावर इन का पोर्ट है, और टाइप सी में देखने को मिलेगा। हालांकि अदर कैमराज में टाइप सी नहीं आ रहा था, काफ़ी कैमरे उनमें टाइप सी नहीं आ रहा है, इसमें टाइप सी देखने को मिला है। इससे पहले के कैमरों में टाइप सी बहुत ही कम कैमरों में देखने मिलता था, तो ये अच्छी बात है। टाइप सी से क्या है कि अब जो ये नॉर्मल केबल हो गया टाइप सी, तो आपके पास अगर ये केबल ख़राब भी हो जाए तो आपके पास नॉर्मल और भी केबलें हो सकती हैं कि वो टाइप सी ज़्यादा हो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट है कि टाइप सी यहाँ पर मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर रीसेट बटन देखने को मिल जाएगा पीछे यहाँ पर इस जगह, और यहाँ पर आपको स्पीकर की ग्रिल देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये कैमरा डुअल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये आप इसको स्पीकर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कमांड देना है, आपको बोलना है, कोई जहाँ पर आपने इस कैमरे को इंस्टॉल किया है वहाँ पर आपने उन लोगों को कुछ मैसेज देना है, तो आप यहाँ पर इस स्पीकर की हेल्प से दे सकते हैं। यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, और उसके बाद में यहाँ पर अगर इसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने का भी स्लॉट देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। और जो इस तो यहाँ पर आपको एक माइक का भी जो होल होता है छोटा सा वो देखने को मिलेगा, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर कोई यहाँ पर माउंटिंग लगाने के लिए नीचे स्लॉट दिया गया है, इस तरीके से आप माउंटिंग इसको कर सकते हैं, लगाया और इस तरीके से आपने रोटेट कर दिया और ये हो गया। तो ये सभी पोर्ट्स एंड बटन्स थे इस कैमरे के। तो चलिए अब इस कैमरे को ऑन कर लेते हैं। ऑन होते ही कैमरा इस तरीके से रोटेट कर रहा है। जब कैमरा ऑन होता है तो थोड़ा रोटेशन वो देता है, सभी कैमरों में ऐसा होता है मोस्टली। तो अभी ये वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, तो अभी इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से और फिर देख लेते हैं आगे। सो गाइस जो एप्लीकेशन यूज़ होगी वो इजी कैम प्लस होगी, जो नॉर्मल और बाकी कैमरों में भी होती थी, जैसे कि E31A, E41A, E21A, सभी कैमरों में जो एप्लीकेशन यूज़ होती थी वो थी इजी कैम प्लस। तो वही एप्लीकेशन भी आप इसके साथ यूज़ करेंगे। तो चलिए इस कैमरे को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए कनेक्ट करना काफ़ी इजी है, उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं अपने चैनल पर बना के डालूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट करने के बाद मिलते हैं और इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये वाईफाई से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, काफ़ी इजी तरीके से कनेक्ट हो गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं थी और बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो चुका है। तो ये सब फर्स्ट टाइम जब ये कनेक्ट होता है तो अपडेट के लिए बोलता है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट भी ऑन कर सकते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर इसके सभी फंक्शन ऑलमोस्ट ट्राई कर लिए हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो फंक्शंस हैं कुछ नए आए हैं और कुछ वही हैं जो पहले के थे, और कुछ बेटर हैं कुछ बेटर नहीं है, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन है कॉमन फंक्शन है, सभी चीज़ें मिल रही हैं। जो स्पेशल अगर कुछ नया ऐड हुआ है तो वो क्या ऐड हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको ऐड होने के लिए एंटी फ्लिकर वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ये ऐड हुआ है एंटी फ्लिकर। एंटी फ्लिकर का क्या बेनिफिट होगा, कई बार आपने देखा होगा कि ये कैमरे आपने लगाए या कोई भी नॉर्मल कैमरे, सपोज़ आपने ये वाले कैमरे जो चाइनीज़ बेस्ड आते थे V380i वाले, इसके भी मैंने वीडियो बना रखे, ये आप जैसे लगाते थे उस केस में क्या होता था, तो जब सामने कोई लाइट सोर्स आपको दिखता था, कोई बड़ा सा बल्ब ऑन हो वहाँ पे या ट्यूबलाइट ऑन हो या बहुत ज़्यादा लाइटें हों उस एरिया में, तो थोड़ी सी फ्लिकर करती थी स्क्रीन, वो प्रॉब्लम होती थी इन कैमरों में। बट इस कैमरे में ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एंटी फ्लिकर का, जिसमें आपको 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ दोनों ही ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका वहाँ पर लाइट का हर्ट्स हो आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व होती नज़र मुझे आ रही है, कंपनी ने वो चीज़ हमें प्रोवाइड की है, ठीक है। हमें सायरन का एक ऑप्शन मिल जाता है, सायरन का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ठीक है, बट थोड़ा साउंड है थोड़ा सा कम है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो ये आप सुन रहे हैं सायरन जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। अभी जो सायरन है आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं अपनी चॉइस से, या फिर आप मोशन डिटेक्शन पे इसको सेट कर सकते हैं, जब भी कोई मोशन डिटेक्शन होगा तो वहाँ पर ये सायरन ऑन होएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, मैं यहाँ से मोशन डिटेक्शन ऑन कर लेता हूँ और ऑडिबल वार्निंग ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए मूवमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको साउंड सुनाई दे रही है कि मेरी मूवमेंट के ऊपर ये साउंड यहाँ पर कर रहा है,
तो मैं यहाँ पर ऑडिबल वार्निंग बंद कर देता हूँ। उसके बाद में ये तो रहा मोशन डिटेक्शन पे, ये साउंड करता है यानी कि सायरन यहाँ पर आपको सुनाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर सायरन वाला भी एक ऑप्शन है, वो कैसे रहेगा तो देखिए, यहाँ पर सायरन जब भी आपको अपनी चॉइस से सायरन यहाँ पे करना है तो आपको ऑडिबल वार्निंग ऑन रखनी होगी। उसके बाद में आप सायरन यहाँ पर प्ले करेंगे तो सायरन यहाँ पे बजेगा, ठीक है। ऑडिबल वार्निंग अगर आप ऑफ रखते हैं उस केस में सायरन आप चाहेंगे तो सायरन नहीं बजेगा, ऑडिबल वार्निंग ऑन रखनी पड़ेगी। और उसके बाद में यहाँ पर और भी कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो बैटर मिला है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले यहाँ इस वाली जो स्क्रीन है मेनू का ही थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, प्लेबैक सभी मिलता था, गैलरी मिल गई है, थीम कलर जो है ये सभी में मिलता ही है, प्राइवेट मोड भी है इसके अंदर, हालांकि कैमरा शील्ड नहीं होता है जैसा कि ईजो वाले कैमरे में होता था, मैंने आपको दिखाया। इसमें एक प्राइवेट मोड पे जाएंगे तो कैमरा रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी बंद कर देगा और मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग भी बंद कर देगा, दोनों चीज़ें यानी कि कैमरा बंद हो जाएगा। आप वहाँ पर दोबारा से टैप करेंगे तो कैमरा फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए, प्राइवेट मोड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो कैमरा टर्न ऑफ कैमरा हो चुका है, इस तरीके से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा है। सिंपल आपको इसको दोबारा से ऑन करना है तो यहाँ पर आप टैप कर देंगे, कैमरा वापस से ऑन हो जाएगा। ये प्राइवेट मोड पे मिल गया आपको, नाइट मोड भी मिल गया। नाइट मोड में आपको यहाँ पर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप, इसका जो IR लाइट होती है आप उसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एंटी फ्लिकर का ऑप्शन मिल गया जो इसमें न्यू है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी होता है वो। मोशन ट्रैकिंग मिल गया, देखिए यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मोशन ट्रैकिंग, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है मोशन ट्रैकिंग, जिस तरीके से ईजो वाला कैमरा क्या करता है, जब आप इसके सामने उस कैमरे में या इस कैमरे में क्या होता है, जब आप इन दोनों कैमरे के सामने जाएंगे या कोई भी मोशन होगा तो ये उसको फॉलो करेगा, ट्रैक करेगा, ओके। लेकिन अगर वो मोशन सीधा एक साइड पर गया, वहाँ से वापस कोई ट्रैकिंग नहीं हुई, तो क्या होता था उस कैमरे ईजो वाले कैमरे में कि वो बाई डिफ़ॉल्ट जो पोजिशन आपने बना रखी है थोड़े सेकंड में 5 से 10 सेकंड में वो कैमरा वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आकर के उसको गार्ड करता था। लेकिन इस कैमरे में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, ये कैमरा एक पोजीशन पे जाके रुक गया, जिस तरीके से E31A या E21A करते हैं वो, जो कि गलत बात है। क्योंकि सपोज़ आपने एक साइड से कोई पर्सन ट्रैक हुआ, वो आगे ही चला गया, कैमरा भी उसको फॉलो कर रहा है, तो वो वहाँ पर जाके रुक जाएगा, जब तक वहाँ से कोई और ट्रैकिंग वापस नहीं आएगा, कैमरा भी वापस नहीं आएगा, वो एक ही पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। वो चाहे कोई वॉल हो, वॉल की साइड आकर के रुक जाएगा, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पे नहीं आएगा, जो कि इस वाले कैमरे में होता था, जो कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आता था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ट्रैकिंग अगर सच मायने में बताऊं, ट्रैकिंग कामयाब होती है तभी। ऑलराइट, तो आप समझ गए, आपको अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको कौन सा कैमरा लेना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मोशन डिटेक्शन सभी कैमरों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मोशन डिटेक्शन मोशन ट्रैकिंग में डिफरेंस है, ट्रैकिंग ट्रैक करता है साथ साथ कोई जा रहा है उसके मूव करता है, डिटेक्शन डिटेक्ट होता है तो आपको पॉपअप नोटिफिकेशन देता है, वो डिटेक्शन होता है। तो अब उसके बाद में साउंड डिटेक्शन भी मिल रही है, साउंड होगा तो डिटेक्ट करेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, देखिए आ गया साउंड नोटिफिकेशन, ओके। इसके बाद में सायरन न्यू मिल गया है, कुछ कैमरों में नहीं मिल रहा है। ऑडिबल वार्निंग मिल गया है, कुछ कैमरों में मिल रही है, कुछ में नहीं मिल रही है। एडिट का ऑप्शन है, चलिए ठीक है, सब आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर रही। उसके बाद में दूसरी जो है आपकी, उसमें बेसिक फंक्शन जो रहते हैं, उसमें प्राइवेट मोड बता दिया। बेसिक फंक्शन सेटिंग में आप जाएंगे तो फ्लिप स्क्रीन कर सकते हैं, जो कि सभी कैमरों में होता है। फ्लिप स्क्रीन के बिना कैमरे बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जब आप इसको अपसाइड डाउन लगाएंगे, वॉल पे, सीलिंग पे लगाएंगे, तो जब तक आप उसको अगर फ्लिप नहीं कर पाएंगे तो वो कैमरा किसी भी काम का नहीं हुआ। लेकिन वो एक बेसिक कैमरे में भी वो फंक्शन आता है। टाइम वाटर मार्क है, ठीक है। टॉक मोड, टू वे टॉक या सिंगल वे टॉक, वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, टू वे टॉक ज़्यादा बेहतर होता है। एंटी फ्लिकर इसमें न्यू मिल गया, मैं बार बार भी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में कैमरा कैलिब्रेशन इसमें न्यू मिल गया, काफ़ी कुछ मॉडल्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे मॉडल्स हैं उसमें नहीं मिलता है, हालांकि मैंने तो शायद नोटिस अभी किया है कि इस कैमरे में ये है, इससे पहले कैमरे मुझे नज़र नहीं आया, हो सकता हो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऑन विफ का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बताऊँगा कि ये कैमरा ऑन विफ सपोर्ट करता है, जो कि बॉक्स पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है कि यहाँ पर ऑन विप सपोर्ट तो है, बट यहाँ पर आपको कोई भी लैंड पोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि अदर
कुछ मॉडल्स में देखने को मिल रहा था, ईजो में देखने को मिलता है, E31 में, E41 में, E21 में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ये कैमरा ऑन भी सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर IP जो है वो शो हो गई है और ऑन विफ का ऑप्शन भी यहाँ पर ऑन करने को आ रहा है। तो ये कैमरा चलेगा ज़रूर लेकिन वायरलेसली ही चलेगा, इसमें आप लैन केबल कनेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि E41A में आप लैन केबल कनेक्ट कर करके भी ऑन विफ कर सकते हो, सकता है बिना केबल के भी वो जो है ऑन विफ सपोर्ट करे। ऑफलाइन नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल है, सभी कैमरा मिल जाती है। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगाने के लिए आपको कैमरे को इस तरीके से थोड़ा सा अपसाइड करना पड़ेगा और मेमोरी कार्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर कुछ ऐसा प्रिंट स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया कि आपको इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करना है। चलिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो प्रिंटेड पार्ट है वो बॉटम की साइड रहेगा और ये यहाँ पर हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है, जब आप मेमोरी कार्ड लगाएं तो कैमरे को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो डिटेक्ट करेगा आपके मेमोरी कार्ड को। और यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है, इस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो अभी मुझे यहाँ पर एक टेस्ट करना है कि जो रिकॉर्डिंग है वो जब ये ऑफलाइन, यानी कि जब हम इसको एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में वाईफाई अगर मान लो बंद हो जाता है, वाईफाई नहीं चलता है बट कैमरा ऑन है, तो उस केस में क्या ये रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड में करेगा या ये नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में इस कैमरे के बारे में इसका जवाब देने वाला हूँ। देखिए अभी जो कैमरा वो ऑन है और यहाँ पर लाइव चल रहा है, अब मैं इसको यहाँ पर ऑफलाइन करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि वो रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं। तो गाइस मैंने अपने नेट को ऑफ कर दिया है, यहाँ पर मेरा नेट ऑफ हो चुका है, यहाँ पर कोई भी मेरा नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा, शो भी नहीं कर रहा मेरा फोन भी। कैमरा है ये विदाउट वाईफाई भी रिकॉर्ड कर रहा है आपके मेमोरी कार्ड में, यानी कि अगर आप इसको एक बार लगा करके एक बार इसको वाईफाई दे देते हैं तो ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा, फिर चाहे आपका वो वाईफाई बंद हो जाए या नहीं हो, और उसके बाद में आप इसको वापस उस वाईफाई पे कनेक्ट कर करके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ये चीज़ इस कैमरे में पॉसिबल है। सो गाइस यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक रूम के अंदर इस कैमरे को अगर आपने लगाया तो किस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियरिटी देखने को मिलेगी, और डे नाइट की फुटेज है ये, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी देखने को मिल रही है और जो वाइड एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं नाइट विजन की तो वो भी आप देख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने सभी लाइटें बंद कर दी है और आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि नाइट विजन में किस तरीके से आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, नाइट विजन में कितना कवरेज आपको मिलेगा, इस तरीके से कोई पर्सन अगर आपके सामने आता है तो वो कितना विजिबल रहने वाला है। यहाँ पर मेरे पीछे पीसी की लाइट ऑन है तो हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं इसको हाइड करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर आपको फिर भी विजिबिलिटी देखिए काफ़ी अच्छी देखने में मिल रही है क्योंकि इस कैमरे में आपको 4 LED IR की मिल जाती हैं जिनसे आपको काफ़ी अच्छी। चलिए अब बात करते हैं इसके माइक की कि कैमरा कितनी साउंड कैच कर सकता है, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए देखिए वो हम थोड़ा रिकॉर्डिंग में आपको मैं चेक करके बता सकता हूँ, उसके लिए मुझे प्लेबैक पे ही जाना पड़ेगा। फॉल्ट लग रहा है या तो अभी ये चीज़ अपडेट नहीं की है, अपडेशन आए कोई तो ठीक है। देखिए माइक का जो आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा काफ़ी। सो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए ये कैमरा या इसके साथ और कैमरे अगर कोई आते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, तो कुछ कैमरे हैं जैसे कि ये वाला कैमरा हो गया, इसी CP+ में E25 कैमरा हो गया, CP+ का ही ISO कैमरा आता है वो हो गया, तो ये कैमरे या फिर कुछ अदर ब्रांड के कैमरे भी आप रख सकते हैं, लेकिन बजट में क्वालिटी दे रहा जो ब्रांड वो CP+ ही है। तो उसके अगर कैमरे आप लेने जाएं तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा ISO कैमरा का, जिसमें काफ़ी अच्छे बेहतरीन फंक्शन के साथ में लैंड पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, और जो मोशन ट्रैकिंग है उसकी एक नंबर की मोशन ट्रैकिंग है, बहुत अच्छी है, इसके मुकाबले बहुत अच्छी है। डिफ़ॉल्ट पोजिशन पर आने की कैपेबिलिटी है उसके अंदर बट इसमें नहीं है। इसके बाद में आप ये कैमरा ले सकते हैं, बट E25A कैमरा जो है वो इससे थोड़ा हल्का ही है, ये कैमरा उसके मुकाबले बेहतर है। कुछ नए फंक्शंस भी इस कैमरे में जुड़े हैं जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, जो कि उस कैमरे में नहीं देखने को मिलते। ऑडियो क्वालिटी भी ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, आउटडोर की वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कह सकता बट ठीक है। कलर सेचुरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा हल्के कलर सेचुरेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर ऑडियो की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल कैमरा ठीक है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको इससे बेहतर कैमरे चाहिए तो वो भी ऑप्शन
काफ़ी मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे कि CP प्लस का E41 ये कैमरा काफ़ी बेहतरीन कैमरा है, थोड़ा सा प्राइस उसका हाई है। आप MI के कैमरों की तरफ भी जा सकते हैं, आप हिकविजन के ASRock कैमरे की तरफ भी जा सकते हैं, C6N TY1 ये सब कैमरों की तरफ भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज है उन कैमरों की। ये सभी इंडोर कैमरे हैं और आप इनको इंडोर में ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आउटडोर में इनको लगाएंगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा, इनको आपने पानी से बचाना होगा। मैंने आउटडोर के लिए भी कुछ कैमरे दिखाए थे, उसमें मैंने ASRock का C8C कैमरा दिखाया, काफ़ी अच्छा कैमरा, प्राइस ब्रैकेट उसका बहुत अच्छा है, अंडर 4000 मिल जाता है, पीछे सेल्स में भी काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा था, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब।